तो एक बैटरी इसकी यहाँ है और इसके साथ में कंपनी दे रही है ये दो चार्जर। ये चार्जर कुछ इस टाइप के दे लगते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल है। कोई देता है ज़्यादा स्पीड कम रेंज, कोई देता है ज़्यादा रेंज कम स्पीड, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो कि इतने हाईफाई दिखते हैं आजकल की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से दो लॉन्चेस हैं। एक है कंफर्टेबल स्पीड, इसको कहता है हीरो, और इसको बोलता है कि हाँ ये अच्छा हाई स्पीड स्कूटर है जो कि पकड़ता है 50 की इसकी टॉप स्पीड है। जो दोनों की रेंज है वो डिफर करती है बैटरीज पे। तो ये वाला जो मॉडल है बेसिकली, ये जो फ्यूचरिस्टिक जो लाइट्स का जो डिज़ाइन है, ये मॉडल है सिंगल बैटरी मॉडल। और ये वाला जो है मेरे पास में खड़ा है ऑप्टिमा HX, ये है डबल बैटरी। और चलो इनके बारे में आपको डिटेल देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके लोअर एंड, यानी कि जो कम्फर्टेबल स्पीड जो बोलता है, जो कि आजकल आसपास ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए या फिर छोटी मोटी शॉपिंग के लिए हीरो ने ये सोच के बनाया कि भाई इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं चाहिए, इसके लिए कोई RC पेपर वेपर नहीं चाहिए। 30 अंदर 30 की स्पीड है, तो जितने भी व्हीकल अंदर 30 के अंदर आते हैं उनके लिए हमें लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये विदाउट रजिस्ट्रेशन आप इसको चला सकते हैं, बस खरीद लीजिए और आप इसको चलाइए। सबसे पहले मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये देखो, ये कुछ ब्लैकआउट थीम दे रखी है इसकी पूरी पूरी ब्लैक। और ये जो इसका जो अभी स्कूटर बिल्कुल नया है इसलिए हमें हटाने दें, जो इसका ग्लास है ये भी थोड़ा सा टिंटेड है, मतलब ये थोड़ा सा स्मोक्ड टाइप का ग्लास है। तो अब मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। इस टाइप की कुछ इसकी कीज हैं, मैं इसका इग्निशन ऑन करके 3, 2, 1 इग्निशन ऑन। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कलरफुल डिस्प्ले मिलता है। ये बैटरी इंडिकेटर है, स्पीड है, और ये आपका ऑटो रीडिंग आ जाती है। हेडलाइट का यहाँ पे साइन है, और ये आप बंद कर देंगे तो यहाँ से लो का मतलब कोई साइन नहीं है, हाई का ही साइन है। और यहाँ पे आ जाता है आपका हीरो इलेक्ट्रिक का लोगो। जब भी कोई कंपनी एक प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन करती है जो कि विदाउट RC विदाउट रजिस्ट्रेशन के होगा, तो वो उसको इतना अट्रैक्टिव बना देती है कि जो नए बच्चे हैं और जो नई जो गर्ल्स हैं जो कि अभी सोच रहे हैं कि हम स्टार्ट करते हैं स्कूटी लेना, उनके लिए इतना अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। ये जो DRL डिज़ाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर से लेकर DRL नीचे तक शुरू हो रहा है विद LED हेडलैम्प्स। ये देखिए, मैं LED हेडलैम्प्स ऑन करूँगा। ये इसकी लो बीम है और ये इसकी हाई बीम है। ये लो बीम हाई बीम, ये है हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से एट्रिया। और इसका जो डिज़ाइन है, ये देखिए जो डिज़ाइन सेंस है वो भी काफ़ी क्यूट सी बना रखी है। दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इनके अलॉय व्हील्स। ये जो अलॉय व्हील्स हैं, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफ़ी बड़े अलॉय व्हील्स है और काफ़ी लाइट वेट अलॉय व्हील्स है। दूसरी बात, आपको ये देखिए टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी मिल जाती है इसके अंदर। तो ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, नॉर्मल वाला जो आपके नॉर्मल स्कूटर के अंदर दिखता है वो वाला सस्पेंशन नहीं है। हीरो का अपना बना हुआ ये सस्पेंशन है। इस स्कूटर के हिसाब से और इस स्कूटर के वेट के अकॉर्डिंग ये उनके हिसाब से परफेक्ट है। अब इसमें इतनी स्पीड नहीं है कि आपको डिस्क व्रिस्क की कोई ज़रूरत पड़े, तो इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स होती हैं और ड्रम ब्रेक्स ही सारा आपका काम कर देंगी। इससे थोड़ी सी अगर पीछे की तरफ चले हम, तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉडी है पूरी पूरी वेल बिल्ड प्लास्टिक बॉडी है। तो ये फाइबर होता है बेसिकली, कंपोजिट फाइबर। अब इसके अंदर कंपनी ने एक और चीज़ ऐड करी कम्फर्ट के मामले में, वो कर दी इसकी सीट। तो ये देखिए, ये जो सीट है ये कितनी कम्फर्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मेरे को तो बैठ के इसके ऊपर मज़ा आ गया। डिज़ाइन सेंस की बात करूँ दोबारा से, तो यहाँ से आप देखिए, ये स्कूटर इलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर कोई एग्जॉस्ट तो है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे बैटरी दिखेगी। तो ये जो आपको बैटरी दिख रही है, यहाँ पे आपको सस्पेंशन भी मिल रही है, डुअल सस्पेंशन डिज़ाइन है ये। डुअल सस्पेंशन के बिल्कुल साथ यहाँ पे आपको हब मोटर मिलेगी, और ये जो हब मोटर है ये हीरो की ही है और वेल बिल्ड, उसको हीरो बोलता है। और बाकी जो है वो तो जैसे जैसे चीज़ें चलती हैं, जैसे जैसे यूज़ होती हैं वैसे वैसे पता चलता है। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ इस स्कूटर में वो है इसकी टेल। ये है टेल लाइट, और ये जो डिज़ाइन है, सीरियसली सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, सुपर स्पोर्ट्स कार्स का डिज़ाइन कुछ ऐसे लग रहा है। ये इसका जो अब डिज़ाइन देख रहे हैं बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड। इसको मैं एक बार ब्रेक करके दिखाता हूँ कि ये ब्रेक से कैसी चलेगी। ये देखिए, ये इसकी ब्रेक लाइट्स हैं। बिल्कुल ही चेंज कर दिया है इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो हीरो का, ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं कौन सी इंपोर्टेड बाइक हमारे सामने खड़ी हुई है। और इसी टेल लाइट में इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे जो कि LED नहीं है, नॉर्मल बल्ब्स हैं। अब ये वाले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं ये बेसिकली यूज़ किस लिए होते हैं, सामान वाल लाने के लिए। तो यहाँ पे हीरो ने यहाँ पे छोटी मोटी पॉकेट्स दे दी कि आप अपनी कोल्ड ड्रिंक और छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं, कुछ भी खाने पीने की छोटी मोटी सी चीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब अगर थैले के अंदर से आप सामान लेके आ रहे होंगे, थैले के अंदर वो कटाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ये कि हुक है, आप यहाँ पे टांग सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है इसके अंदर कि हीरो ने यहाँ पे भी इसके चार्जिंग के पोर्ट्स दिए हैं, लेकिन वो जो रिकमेंड करता है वो रिकमेंड करता है कहाँ से, कि हम अगर इसकी ये डिग्गी खोलें
ये देखिए सीट ओपन, ये है इसकी डिग्गी, इसके अंदर आता है एक चार्जर। ये चार्जर कैसा है वो भी अभी मैं आप सब लोगों को निकाल के दिखाऊंगा कि ये चार्जर कैसा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे इसकी आती है एक बैटरी, ये लिथियम आयन बैटरी है हीरो की, और इसकी इसको चार्ज करने के लिए आपको इसको यहाँ से ऐसे करके हटाना है, चार्जिंग प्लग इसके अंदर डालना है, या फिर आप ये बैटरी भी ऐसे करके निकाल सकते हैं इसमें से, ये इजीली निकल जाएगी बैटरी। ये है हीरो एट्रिया और ये इनका हॉट सेलिंग केक है, ये आता है और बिक जाता है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल स्कूटर है वो है हीरो ऑप्टिमा HX। ये प्रैक्टिकल स्कूटर क्यों बोल रहा हूँ आप उसके बारे में, सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने से पहले ये देखो इसकी जो कीज़ हैं, ये जो कीज़ हैं इसकी, ये इसके साथ मिलती हैं, गाड़ी जैसी कीज़ हैं। आप इसको अपनी ये नॉर्मल वाली कीज़ के साथ में डाल सकते हैं। देखिए मैं इसको अनलॉक करूँगा या फिर लॉक करूँगा, तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। दोनों के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो मीटर है, ये बहुत ज़्यादा विजिबल है रात को भी और दिन में भी, और रात को ये थोड़ी सी अपनी ब्राइटनेस कम कर लेता है क्योंकि इसके अंदर सेंसर लगा होता है। तो अब हम इसका देखते हैं ओवरव्यू, जो कि है इसका सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, जो कि पेंट है। पेंट कुछ इसका इस टाइप का इन्होंने दिया है, जैसे कि मैं बताता हूँ कि गिल्टर पेंट में, तो बहुत ज़्यादा मेटेलिक और गिल्टर पेंट है जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकता है। और ये जो है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, 50 की इसकी टॉप स्पीड है। सबसे अच्छी चीज़ जो प्रैक्टिकल मुझे लगती है, इसके अंदर डुअल बैटरी है। सबसे पहले इसका बैटरी का सिस्टम देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसके और फीचर्स। तो सबसे पहले अगर मैं बैटरी खोलूँ उसकी यहाँ से, ये देखिए इसके अंदर डुअल बैटरी सेटअप है। और हीरो की तरफ से दो चार्जर मिलते हैं, जो कि कंपनी बोलती है क्योंकि डुअल बैटरी स्कूटर है तो डुअल चार्जर तो देने ज़रूरी है। वैसे कंपनी बोलती है कि आप एक ही चार्जर रखो स्कूटर में, एक चार्जर अपने घर में रख लो, अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो हैंड टू हैंड आप वहाँ से चार्ज कर सकते हैं। तो ये मेरे को एक सेंसेबल डिसीजन लगा। अब ये वाला जो स्कूटर है ये आता है लिक्विड, या ये आता है लिथियम आयन बैटरी के साथ। इसके अंदर दो तीन वेरिएंट्स और आते हैं जिसके अंदर लेड बैटरी भी मिल जाती है। ये देखिए चार्जिंग जो पोर्ट है वो यहीं पे ही है, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ से इसकी ये जो कनेक्टर हैं इनको हटा सकते हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ से कनेक्टर हटा लिया है हीरो के स्कूटर में से, और ये बैटरी अब मैं निकाल रहा हूँ। 8 kg की ये बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है। अगर आप कहीं जाते हैं कहीं पर, जैसे आपका घर ऊपर है पार्किंग नीचे, तो ये बैटरी वहाँ से निकाल के ले जाओ और निकाल के ले जाओ घर में ले जाओ अपने, इसको चार्ज करो, चार्ज करने के बाद चार्ज बैटरी लेके आओ और स्कूटर में लगा दो। ये जो हीरो ऑप्टिमा है ये डुअल बैटरी से लैस है। अब फर्स्ट बैटरी तो यहाँ लगी, अब सेकंड बैटरी कहाँ है? तो सेकंड बैटरी हीरो ने लगा रखी है नीचे। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर पर दो बैटरीज लगी हुई हैं इसमें। ये देखिए दूसरी बैटरी यहाँ लगी हुई है, दो बैटरीज हैं। और ये जो स्कूटर है ये किसी भी एक बैटरी से चल सकता है, और किसी भी एक बैटरी से नहीं चल सकता। सबसे अच्छी बात मुझे इसके अंदर लगी कि ये एक टाइम में एक ही बैटरी यूज़ करेगा, क्योंकि रेंज बढ़ाने के लिए ये बैटरीज दी गई हैं, तो एक बारी में एक बैटरी से ही चलेगा। उसके बाद इसके अंदर एक रिज़र्व है, ये एक रिज़र्व मोड है। ये है फर्स्ट बैटरी एंड दिस इज़ सेकेंड। तो जैसे ही आपकी फर्स्ट बैटरी डाउन हो जाती है आप उसको स्विच कर दीजिए सेकेंड बैटरी पे, तो ये सेकेंड बैटरी पे चलने लग जाएगा। अब इसके कंट्रोल्स की जो इसका जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी इलेक्ट्रिकल जो उसकी चार्जिंग वार्जिंग है, वो फैसिलिटीज़ की सारी यहाँ पे है। ये इसका ड्राइवर सिस्टम है पूरा, यहाँ से आपको वायरिंग वगैरह देखने को मिलेंगी। ये वैसे ऐसे करके बंद कर दिया जाता है, और जो भी पावर ऑप्शंस हैं, जो भी कंट्रोलर सिस्टम है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये जो स्कूटर हैं ये हीरो के हैं, इसलिए वेल बिल्ड होने चाहिए, ऑब्वियस है। और अगर ये अच्छी रेंज देते हैं तो फिर क्या ही बात है। इन स्कूटर्स में सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, ये है एलॉय व्हील का साइज़। जितना बड़ा एलॉय व्हील का साइज़ उतना ज़्यादा कंफर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो बड़े जो एलॉय व्हील्स होते हैं इसमें छोटे मोटे गड्ढे पता नहीं चलते। अब ये जो है एक्चुअल स्कूटर जो बना हुआ है, जैसे कि मैंने बोला था कि एक्चुअल प्रैक्टिकल स्कूटर है, तो इसके अंदर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं मिलेगी। ये जो हेडलैम्प्स हैं ये भी अगर मैं जलाऊँ इसको, है तो LED, लेकिन उस तरीके की LED शायद इसके अंदर नहीं है। और ये जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं ये हेलोजन बल्ब ही हैं। टर्न इंडिकेटर्स अगर दिखाओ तो ये हेलोजन बल्ब है सिंपल। और ये जो है एट्रिया हीरो का, ये फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। इसको सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि कोई बुजुर्ग भी चलाए, कोई बच्चा भी चलाए। तो देखिए कि ये जैसे मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, देखिए जरा व्हील्स अगर दिखाओ, व्हील्स तो मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, ये देखिए, और ये व्हील्स स्पिन कर रहे हैं। वैसे हम अभी टाइल्स में हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है इसमें ना टॉर्क बहुत होता है, चाहे स्पीड ना मिले लेकिन टॉर्क बहुत होता है। तो ये सब टॉर्क का ही खेल होता है। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं या बाइक्स होती है, कार्स होती है ना, उसके अंदर आपको इनिशियल टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलता है, स्पीड लो मिलती है,
महंगे स्कूटरों में स्पीड भी बहुत अच्छी मिलती है महंगी गाड़ियों में। और आज हम जो खड़े हैं हैंड टू हैंड में दिखाना चाहता हूँ, ये है हीरो का सर्विस सेंटर। इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस कैसे होती है ये मैंने सबको पहले दिखाई रखा है। ये कुछ इस टाइप की सर्विस होती है, इनकी वायर्स वायर्स होती हैं तो चेक कर लेते हैं, अगर कुछ भी लूज़ हो रहा है तो टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी हीरो इलेक्ट्रिक के दो स्कूटर, जितना हम बता सकते थे दिखा सकते थे आप सभी को दिखाया। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।